नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी अटेचर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट वन बारे में बात करेंगे और हम प्रक्षेप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आप प्रोजेक्शन की आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रही है और इसका मैं बाई बाई कालम बनाते चला गया हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसके कालम का रूप कैसा है। तो प्रक्षेप पहला देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से पिक्टोरियल व्यू हमारा रहेगा। प्रक्षेप में बनेगा एक पिक्टोरियल व्यू, मतलब इसका हो जाएगा चित्रीय प्रक्षेप, और इसके बाद ऑर्थोग्राफी बनेगा, तो ये हो जाएगा लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय की बात करेंगे हम दोस्तों, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल इसमें पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रणाली के अनुसार फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है, इसीलिए फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल का यूज बहुत हम लोग कम करते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनिंग व्यू का अधिक सबसे प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो पिक्टोरियल व्यू जो होता है उसको भी तीन भागों में बांट दिया जाता है। तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, तथा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये तीन पार्ट यहाँ पे बांट देंगे, ठीक है। अभी इसका मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ दोस्तों, तो ठीक है। आइए हम पहले प्रक्षेप का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ जो प्रक्षेप प्रोजेक्शन आपको लिखा हुआ है, तो प्रक्षेप होता क्या है अगर बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के अंतर्गत अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की मशीन जैसे होती है, जो हमारे पास मशीनें होती हैं उसके लिए अगर देखा जाए तो उसके पुर्जे को निर्माण करेंगे अगर दोस्तों, तो तीन तरह से निर्माण करेंगे। कोई भी अगर पुर्जे का हम निर्माण कर रहे हैं तो ये मान लीजिए आपका तीन तरह का निर्माण करेंगे। किसी भी एंगल को देखना है या निकालना है तो हम तीन तरह से पुर्जे का निर्माण करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका एंगल 120 है तो इसका भी 120 होना चाहिए, ठीक है। इसका भी 120 तो इसका भी 120, तो तीनों 120 120 120 120 इस तरह होगा। तो 20 60 हो जाएगा ये, और ये 300, तो 360 डिग्री का पूरा हो जाएगा ये वृत्त के आकार का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो प्रोजेक्शन के तीन विमाओं वाली ड्राइंग की आवश्यकता होती है। कितने? तीन विमाओं वाले। तो इसमें एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, तो तीन विमा। तो यहाँ लीजिए एक हो गया, दो हो गया, और ये तीन हो गया, ये बेसिक लाइन आपका हो जाएगा इसके, ठीक है। अगर मान लीजिए हम फोटोग्राफ के द्वारा अगर बात करेंगे इसके, तो फोटोग्राफ के द्वारा किसी वस्तु को केवल बाएं विवरण, मतलब सामने का ये फोटो खींचेंगे तो केवल ये पार्ट हमको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मशीन के पुर्जे के निर्माण के लिए अगर बात करेंगे तो ये पार्ट भी हमको दिखाई देना चाहिए, ये पार्ट भी हमको दिखाई देना चाहिए, और ये पार्ट भी हमको टॉप फ्रंट साइड तीनों दिखाई देना चाहिए। भीतरी संरचना के लिए हमको इसकी तैयारी, बाह्य भीतरी दोनों प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए हम क्या चूज करते हैं, तो प्रक्षेप का चूज करते हैं। अगर उस तरह की बात किया जाए तो किसी वस्तु के प्रक्षेप खींचने के लिए, तो उस वस्तु के किनारे के प्रक्षेप तल, ये यहाँ की जो लाइन बता रहा है, ये प्रक्षेप तल और ये प्रक्षेप तल सरल रेखाएं से खींची जाती हैं, मैंने खींचा है, ठीक है। इस प्रकार उन सरल रेखाओं के द्वारा प्रक्षेप तल पर जो बिंदु प्राप्त होते हैं, यहाँ जो बिंदु प्राप्त होती है उस क्रमबद्ध रूप से मिलने वाले वस्तु के जो आकृति तैयार होती है, जैसे ये और ये, यहाँ पे जो बिंदु जहाँ पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे भी बिंदु मिल रहा है, तो ये जो आकृति तैयार कर रहा है, ठीक है। सिंपल में कहेंगे किसी वस्तु का प्रक्षेप खींचने के लिए वस्तु के किनारे से, वस्तु के किनारे से सिंपल में वस्तु की आकृति खींचने के लिए, प्रक्षेप खींचने के लिए वस्तु के किनारे से, ठीक है, वस्तु के किनारे से प्रक्षेप तल पर सरल रेखाएं, जो सरल रेखाएं खींची जाती है, उन सरल रेखाओं के द्वारा प्रक्षेप तल पर जो बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है, जो बिंदु प्राप्त होता है उस क्रमबद्ध रूप से मिलने वाले वस्तु की आकृति को हम क्या कहेंगे, तो प्रोजेक्शन एंड प्रक्षेप कहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन एंड प्रक्षेप कहेंगे। अगर प्रक्षेप के टाइप्स ऑफ प्रक्षेप की बात करेंगे, यहाँ टाइप भी आ सकता है, क्या आ सकता है दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो प्रक्षेप के किस्में की बात करेंगे, ड्राइंग बनाते समय अगर शीट के चार चतुर्थांश में अगर बात करेंगे कि उसको बांट दिया जाए चार चतुर्थांश में, तो कैसे बांटेंगे हम, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। या ऐसे भी बांट सकते हैं हम, फोर्थ हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, इस तरह भी बांट सकते हैं। तो चार चतुर्थांश में जब विभाजित कर लिया जाता है तो जिससे ड्राइंग बनाने में सुविधा होती है। अगर मान लें कि ड्राइंग शीट हमारे पास है, ठीक है, अगर ड्राइंग शीट यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ड्राइंग शीट है और चार चतुर्थांश में बांट दिए, तो ड्राइंग बनाने में सबसे ज्यादा सुविधा होती है। चतुर्थांशों में से किसी एक चतुर्थांश को हम लेते हैं, कोई भी ले लेंगे, ठीक है, और वहां से उस प्रक्षेप को पकड़कर वस्तु के स्थिति को चतुर्थांश के आधार पर
विभिन्न प्रकार से हम बांटना चालू कर देते हैं, ठीक है, बनाना चालू कर देते हैं। अगर इसकी भी बात किया जाए तो ये भी दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रोजेक्शन के एक किस्म की बात किया जाए तो ये भी दो वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला वर्ग की बात करेंगे तो ये दो वर्ग है, पहला है पिक्टोरियल व्यू, कौन सा है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिक्टोरियल व्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पिक्टोरियल व्यू की बात करेंगे तो फिगर को मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप, आप समझ लिए इसको, प्रक्षेप के दो टाइप हो गए, ठीक है, पिक्टोरियल व्यू हो गया, ऑर्थोग्राफी मतलब चित्री प्रक्षेप हो गया, और ये ऑर्थोग्राफी मतलब जैसे कि उसको खोलने का, ठीक है, ऑर्थोग्राफी हो गया। और ये तीन पार्ट हो गया इसमें, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और इसमें हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और इसमें हो गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, इसकी बात अभी हम रोकते हैं, सबसे पहले मैं इसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है, पिक्टोरियल व्यू की। तो पिक्टोरियल व्यू की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो पिक्टोरियल व्यू की बात करें तो किसी प्रक्षेप में तीनों विमाओं को प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं, जैसे कि तीनों विमाएं जो होती हैं एक ही चित्र में, ये तीनों एक ही चित्र में दर्शा, उसे चित्रीय प्रक्षेप है, या मतलब अगर बात करें तो ये तीनों उसमें आ जाएगा, ठीक है, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव, आइसो, ऑब्लिक कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो आइए नंबर एक चलते हैं, तो आइसोमेट्रिक में चलेंगे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, आइसोमेट्रिक की बात करेंगे तो दो शब्द ये कौन कौन से मिलकर बने हैं, आईसो, तो हो जाएगा आईएसओ, आईएसओ हो जाएगा, तो आईएस मीन्स मतलब इक्वल हो जाएगा दोस्तों, क्या है, आईएस मीन्स इक्वल हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे तो मैट्रिक, आईसो मैट्रिक, तो मैट्रिक मतलब हो जाएगा मेंस मेजरमेंट, ठीक है, मेंस एंड मेजरमेंट हो जाएगा, मैट्रिक का मतलब मेंस एंड मेजरमेंट, और आईसो का मतलब हो जाएगा मेंस इक्वल हो जाएगा दोस्तों, क्या है, मेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जब वस्तु के प्रक्षेप तल पर या तल के साथ इस प्रकार स्थित किया जाता है कि तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हैं, तीनों अक्ष मतलब ये लाइन खींचे हैं, ये और ये तीनों अक्ष समान रूप से झुके, तो प्रक्षेप तल पर प्राप्त प्रक्षेप आइसोमेट्रिक व्यू, ये और ये आइसोमेट्रिक प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। जब तीनों एक ही जगह पे झुके हैं और एक ही जगह पे मिले हैं तीनों प्रक्षेप, तो वो हो जाएगा हमारा आइसोमेट्रिक भी, और तीनों का एंगल हमारा 120, 120 और 120 हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों 120, तो उसे बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेप तलों का। अगर देखा जाए तो इसके नीचे का एंगल तो ये दोनों हो जाएगा कितने, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे जो आपको यहाँ दिखाई देगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। इस कोण को खींचा जाता है। अगर आयताकार ठोस चार विमाओं की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होंगे, आयताकार के लिए या वर्ग के लिए हम ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लें एक बेसिक लाइन खींचेंगे और एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इसमें भी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल मिलेगा, इसमें भी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल मिलेगा, और ये भी वर्टिकल और ये आके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आपका क्या है कि एक आयताकार हो गया, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये आपका जो एंगल बनेगा 120 बनेगा, ये भी 120 बनेगा और ये भी 120 बनेगा, और ये आपका 30 बनेगा और ये आपका 30 बनेगा, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू का प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। आइए दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं किस प्रकार से इसको और गहन अध्ययन के द्वारा देखा जा सकता है। तो एक और देख लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई इस प्रकार का अगर व्यू है, ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, नीचे से मान लीजिए ये आपका एंगल हो गया, कौन सा, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन एक वर्टिकल ये वाला हो जाएगा, तो जब इस पे बनाएंगे तो ये वाला बॉक्स हमारा बन के तैयार हो जाएगा। कुछ और प्रक्रिया के द्वारा भिन्न आकृति बनाते हैं, तो भिन्न आकृति बनाएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, लीजिए मान लीजिए इस प्रकार की कोई आकृति है तो इस प्रकार का कोई व्यू बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सारे ये किससे हमारे बनाए जाते हैं, तो इसका अगर देखा जाए कि ऑर्थोग्राफी के हिसाब से खोलने का तरीका तो अलग बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यू को अगर हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, तो जब कुछ इस प्रकार से बनाना है तो कैसे इसको हम बनाएंगे, ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो एक ऐसे और ऐसे और इस तरह से और इस तरह से, तो ये जो रेखा बन रही है
वो यहां से बन रही है, और ये जो बन रही है वो यहां से बन रही है, और ये हमारा क्या है बेसिक लाइन हो जाएगा। तो यहां से बेसिक लाइन से हम शुरू कर रहे हैं और ये हमारा क्या बन के आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का है तो कैसे बनाएंगे, लीजिए ये दोनों पार्ट जो है हमारे यहाँ हो जाएंगे और ये पार्ट इसमें मिल जाएगा, नीचे वाला ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, अंदर की बात करेंगे तो ऐसे बांट देंगे, हमारा आइसोमेट्रिक व्यू इस प्रकार से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों ऑब्लिक प्रक्षेप की, बात करेंगे तो ऑब्लिक प्रक्षेप में देखते हैं थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू में बैक जाते हैं और थोड़ा सा उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आइसोमेट्रिक व्यू को लिए देखेंगे 120 का, तो एक और कोण हमारा बन सकता है, किस प्रकार से बनेगा वो रहेगा हमारा इस प्रकार से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये जो एंगल बनेंगे 120 120 120, इस प्रकार से भी हम समपरिमाण प्रक्षेप मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं। एक एक व्यू करके एक एक वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों अगले टॉपिक में। और इसके बाद से हम देखते हैं ऑब्लिक व्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पे मतलब ऑब्लिक प्रक्षेप की बात करेंगे तो त्रियक प्रक्षेप हो जाएगा, ठीक है। त्रियक प्रक्षेप की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो त्रियक प्रक्षेप नंबर ऑब्लिक के प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो यह त्रियक प्रक्षेप रहेगा, और यह विधि जिसके द्वारा प्रक्षेप तीनों अक्षों का उपयोग, तीनों अक्षों का उपयोग मतलब ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों अक्षों का उपयोग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो तीनों अक्षों का उपयोग कर रहा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इसका इमेज बनेगा, ठीक है। जो तीनों अक्षों का उपयोग त्रियक प्रक्षेप कहलाता है, इसका उपयोग वस्तु की सीमित ड्राइंग बनाने के लिए मतलब कम ड्राइंग बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। त्रियक प्रक्षेप में अगर तीसरा अक्ष की बात करेंगे तो 30 45 60, कितना डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के एंगल पे, कोण पे दोनों अक्षों की तुलना में झुका रहता है, ठीक है। इधर की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इधर के एंगल की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो और इसी तरह से मतलब 60 डिग्री तथा 45 डिग्री पर ये झुका तथा बना रहता है। इसके विशेष भाग समानांतर और दूसरा भाग लंबवत रहता है, ये एक भाग समानांतर और दूसरा भाग क्या हो जाएगा लंबवत रहता है, किसका ऑब्लिक व्यू का, ठीक है। लेकिन तीसरा भाग जो होता है 30 डिग्री, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के कोण पर बार बार बनाया जाता है। ऑब्लिक प्रक्षेप में इन झुकी हुई रेखाओं के रिसीडिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इसे रिसीडिंग लाइन भी कहते हैं। रिसीडिंग लाइन का पूर्ण परिमाप अगर लिया जाए तो क्यूवेलियर प्रक्षेप मतलब क्यूवेलियर प्रक्षेप कहलाएगा ये, ठीक है। अगर रिसीडिंग अर्ध परिमाप में लिया जाए तो कैबिनेट प्रक्षेप कहलाएगा, ठीक है, अर्ध में माप लिया जाए तो क्या कहलाएगा, तो कैबिनेट प्रक्षेप है। तो क्यूवेलियर और कैबिनेट का एक इमेज बना देते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसको देख लीजिए आप लोग। तो क्यूवेलियर के लिए अगर आप बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का प्रक्षेप बनेगा, 45 का, कौन सा, तो 45 डिग्री का अगर बनाएंगे तो कुछ हमारा इमेज इस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। इसे हिडन लाइन से हम दर्शा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हिडन लाइन वाला ऐसे कुछ हो जाएगा इसमें, तो ये हमारा कौन सा क्यूवेलियर प्रक्षेप हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट प्रक्षेप की बात करेंगे तो कैबिनेट प्रक्षेप के यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो अधिक ऊपर उठा है वो कम झुका रहेगा, ठीक है, कुछ झुका रहेगा, यहाँ से वो बनेगी, तो ये हमारा कैबिनेट प्रक्षेप हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रक्षेप की, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव इसमें कुछ और उदाहरण आपको दे दे रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार से और इसमें इमेज बन सकते हैं। तो एक इमेज की बात करेंगे तो ये मतलब एक क्या बोला है कि इसमें समानांतर और दूसरा लंबवत, समानांतर बार बार इसमें, जब ऑब्लिक की बात किया जाए त्रियक प्रक्षेप ऑब्लिक, तो इसमें समानांतर की दिमाग में डाल लीजिएगा, समानांतर और ये 30 45 तथा 60 डिग्री पर झुके होने चाहिए, ठीक है, एंगल पे चलने चाहिए। तो ये एक और इमेज बना दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार के भी इमेज इस पे बन सकते हैं, किस प्रकार के, तो इस प्रकार के भी, और यहाँ से इसका एंगल निकाल लेंगे, मान लीजिए 90 है, ठीक है, ये कितना है तो 90 रहेगा, ये 135 रहेगा, कितना 135 रहेगा, और ये आपका 135 रहेगा, ठीक है, टोटल मिला के हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर लेंगे इसको। ऐसे बहुत सारे चित्र हम ऑब्लिक प्रक्षेप में बना सकते हैं। एक और भी वो आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, तो वो किस तरह बनेगा, ये बोला था कि मतलब 36 से 45 डिग्री 36 से हमने कर लिया, तो 45 इधर मान लीजिए हो गया, ठीक है, और एक मतलब समानांतर दो से ऊर्ध्व फलक 36 से 45 अंश पे कोण पे हो, तो 45 अंश के कोण पे ये हो गया, और ये वाला और ये वाला ये समानांतर लाइन हो गई, लेकिन ये एंगल जो देखेंगे 90 मैंने बताया था, तो ये 90 होगा ना भाई, होगा, ठीक है, और यहाँ से जो 90 रहेगा 45 रहेगा ये इसमें जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
ये तो वस्तु के चारों में से किसी भी स्थिति में रखकर आवलिक प्रक्षेप में खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्रकार करेंगे इसका। अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम है पर्सपेक्टिव प्रक्षेप की। पर्सपेक्टिव प्रक्षेप की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये थर्ड नंबर का पर्सपेक्टिव प्रक्षेप हो जाएगा आपका। कौन सा? थर्ड नंबर का पर्सपेक्टिव प्रक्षेप हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो किसी स्थिर वस्तु को देखने पर यदि उसी उसी प्रकार प्रदर्शित किया जाए, जैसे हम देख रहे हैं उसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, तो उसे संदर्भ प्रक्षेप कहेंगे या पर्सपेक्टिव प्रक्षेप कहेंगे, ठीक है। ड्राइंग बनाने में अधिक समय जब लगता है तो इसीलिए इसका प्रयोग हम जल्दी से कर लेते हैं, या शिल्पियों के द्वारा ड्राइंग सरल बनाने के लिए इसका आवलिक आइसोमेट्रिक प्रक्षेप का अधिकतर प्रयोग करते हैं। अगर इसके चित्र की बात किया जाए तो प्रक्षेप तल, मान लीजिए कि मैंने कोई एक इमेज यहाँ पे बनाया। कौन सा इमेज कैसा बनेगा? तो मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वो इमेज इस प्रकार से है। दूसरा इमेज कैसा रहेगा? वो दूसरा इमेज हमारा इस प्रकार से है। कैसा रहेगा हमारा दूसरा इमेज? इस प्रकार से है, ठीक है। दो इमेज हमारे पास बन गए, ये इसमें ऐड है, ठीक है। यहाँ से ये जाके इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये इमेज बन गई। अब ऐसा ही एक और इमेज यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, रख लीजिए एक और इमेज। आपने रख लिया उस इमेज को, ठीक है, ये रख लिया। और यहाँ पे आपका आई रहेगा, क्या रहेगा? आई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहां से जब देखेंगे तो ये पार्ट इसमें, ये पार्ट इसमें, और ये पार्ट इसमें, और ये पार्ट इसमें, ये पार्ट इसमें, ऐसे मतलब यहां से यस करेंगे, मैं देखूंगा, ये हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये हमारा क्या रहेगा? प्रक्षेप तल रहेगा। मतलब जब लाइट या रोशनी, मतलब इस प्रकार के भवनों विज्ञापन तथा चित्र बनाने हेतु सिविल इंजीनियर के द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस वस्तु के एक किनारे से प्रकाश डाली जाती है, यहां से हम प्रकाश डालूंगा इस वस्तु पे, ठीक है। तो जब प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाकर मिलती हैं, तो ये एक बिंदु से जाकर क्या है, मिल रही है, ठीक है, जिसे स्टेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? स्टेशन पॉइंट कहेंगे। और ये एक या दो स्टेशन पॉइंट वाला बन जाता है, ठीक है। एक व दो स्टेशन पॉइंट वाले पर्सपेक्टिव प्रक्षेप दर्शाए गए हैं। मतलब यहां से जब हम प्रकाश देंगे तो ये जाके यहाँ पे प्रक्षेप ऐसे ही बनाएगा, मतलब इसके जैसा इमेज यहाँ पे बना देगा, तो इसे हम पर्सपेक्टिव प्रक्षेप कहेंगे। लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक प्रयोग की बात करेंगे तो हमारे पास ISO आइसोमेट्रिक व्यू के अलावा और हम दोनों नहीं पढ़ सकते। पर्सपेक्टिव व्यू तथा ऑब्लिक व्यू ये हमारे लिए उतना खास नहीं बन पाता, इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आइसोमेट्रिक में हमारा पर्सपेक्टिव और ऑब्लिक के दोनों को छोड़ के आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए और 3 डायमेंशन का काम करता है, 2D का काम नहीं करता, क्योंकि हमें वीडियो नहीं बनाना है, बिल्कुल देखना नहीं है कहीं पे सामने, बल्कि मशीन के कलपुर्जों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए। ये मान लीजिए कोई हमारा इमेज हो जाएगा और इसके अंदर का पार्ट हमें पता करना है, अगर 2D में हम बना रहे हैं तो 2D हमारा इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जब सीधा बिल्कुल देखेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम आइसोमेट्रिक व्यू का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, कौन सा रहेगा? ऑर्थोग्राफिक। अब मैं ऑर्थोग्राफी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कौन से? तो ऑर्थोग्राफी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह भी दो शब्दों से मिल रहा है, कौन कौन से? ORTHO। आर्थो का मतलब हो जाएगा मेंस एक्यूरेट, मतलब मेंस एक्यूरेट प्लस, इसका अर्थ आर्थो का हो जाएगा। और ग्राफिक का हो जाएगा मेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब उसको कैसे प्रस्तुति कर रहे हो, कैसे दर्शा रहे हो, ठीक है। मतलब ग्राफिक का मतलब ये हो जाएगा मेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब अर्थात किसी वस्तु की आकृति का वर्णन करना, क्या है? किसी वस्तु की आकृति का 4 भागों में वर्णन करना, जिस प्रक्षेप में वस्तु के आकृति के लंबवत रेखाएं किसी तल, क्षैतिज, ऊर्ध्व पर इस प्रकार प्रक्षेपित किए जाएं कि वह एक दूसरे के समानांतर रहे, क्या है? वह एक दूसरे के समानांतर रहे और साथ ही उस तल के लंबवत रहे, क्या है? और इस व्यू के लंबवत रहे, ठीक है, लंबवत रहे, तो उसे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कहते हैं। यह भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और ये प्रकार जो आपको नीचे मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, एक तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ, ये भी 2 किस्म के होते हैं। 2 किस्म मतलब द्वितीय कोणी, मतलब इसमें 4 भाग होंगे ना, 1, 2, 3, 4, तो द्वितीय कोणी और चतुर्कोणी का उपयोग बहुत कम किया जाता है, इसका वर्णन मतलब सीमित है, इसीलिए
हम क्या करते हैं, द्वितीय तथा चतुर्थ वाले को बहुत कम पढ़ते हैं और सीमित संख्या में इसको बताया गया, इसीलिए हम सबसे ज्यादा फर्स्ट एंगल तथा थर्ड एंगल का प्रयोग अधिकतर करते हैं। तो आइए चलते हैं इसके टॉपिक में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट में वर्णन करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक व्यू बना लेते हैं यहाँ पे। तो व्यू बनाकर अगर प्रक्षेप तल मतलब प्लान प्रोजेक्शन की बात करें, वह तल जिस पर किसी वस्तु की आकृति बनाई जाती है प्रक्षेप तल कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, ये आपका, तो यहाँ टॉप हो गया फ्रंट मतलब प्रक्षेप तल में इसको बोलेंगे। ठीक है, प्लान ऑफ प्रोजेक्शन मतलब सबसे ऊपरा वाला भाग, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, यहाँ का हॉरिजॉन्टल वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब वह तल जो क्षैतिज अक्ष के समानांतर क्षैतिज तल कहलाता है, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन होता है जो वह तल की बात करेंगे क्षैतिज अक्ष से लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर हो, ये वाला की बात कर रहा है। ठीक है, लंबवत तो है लेकिन ऊर्ध्वाधर भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऊर्ध्व तल की बात करेंगे, एबीपी और एसवीपी की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से एबीपी और एसबीपी होता है। एबीपी और एसबीपी मतलब ऊर्ध्वतल जो क्षैतिज तल ऊर्ध्वतल दोनों लंबवत हो वह ऊर्ध्वतल कहलाएगा, दोनों ये लंबवत जो रहेंगे तो ये ऊर्ध्वतल कहलाएंगे। कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट क्या, तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्व तलों के एक दूसरे लंबवत को, क्षैतिज है और ऊर्ध्व है एक दूसरे लंबों को काटने से चार क्षेत्र बनते हैं। अब इसको जब काटेंगे तो चार क्षेत्र बनेंगे। ठीक है, तो चार क्षेत्र को प्रत्येक क्षेत्र पाद कहलाएगा और प्रत्येक क्षेत्र पाद कहलाएगा। ठीक है, और इनके नाम पाद, प्रथम पाद और द्वितीय पाद, तृतीय पार्थ तथा चतुर्थ पार्थ कहलाएगा। कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेसिक लाइन की बात करेंगे। तो क्षैतिज और ऊर्ध्व लाइन मिलने वाले स्थान को क्षैतिज भी है और ऊर्ध्व है तो वो बेसिक लाइन हमारा हो जाएगा। लाइट की बात करेंगे, प्रकाश किरण की, तो किनारों से चित्रपट की खींची गई सरल रेखाएं, ये जो है सरल रेखाएं ये लाइट का काम करेंगी यहाँ पे। ठीक है, डाइहेड्रल कोण की बात करेंगे तो ऊर्ध्व एक दूसरे के काटने से बने चार पदों का संयुक्त डायहेड्रल मतलब एक दो तीन चार, ये डायहेड्रल कोण बन जाएगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे फ्रंट एंडिवेशन की। तो टॉप फ्रंट साइड आपको पता होगा, तो अब इस पे टॉपिक पे चलते हैं। इस अभी तक तो मतलब इसमें छोटे छोटे टॉपिक बता रहे थे, अब मेन टॉपिक आया है फ्रंट एलिवेशन। किसी वस्तु का वह दृश्य जो उसे सामने की ओर देखने पर, ये मान लीजिए एक हमारे पास इमेज है। ठीक है, अब यहाँ का जो वस्तु है वो सामने आप जो देख रहे हैं, यही खड़े हैं आप इधर से देख रहे हैं, तो वह आपका फ्रंट एलिवेशन बनेगा। साइड एलिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एफ लिंक देंगे, एफ डिनोट करेगा फ्रंट से। साइड की बात करेंगे तो वह वस्तु का दृश्य जो पार्श्व मतलब साइड की ओर देखने पर ऊर्ध्वतल पर बनता है, साइड एलिवेशन कहलाता है। यस की बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ बनेगा मतलब आपके, अगर यहाँ आप खड़े हैं आपके दो हाथ हैं तो आपका हाथ एक बाएं होगा एक दाएं होगा, तो दाएं साइड में मतलब ये बनेगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको साइड व्यू मिल रहा है। ठीक है, अब प्लान की बात करेंगे यहाँ पे, तो प्लान की बात किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, तो किसी भी वस्तु के दृश्य का वह ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, यहाँ की बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर देखने पर क्षैतिज तल जो बनता है वह टॉप या प्लान कहलाएगा, टॉप कहलाएगा या प्लान कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। आइए कुछ हम इमेज बना के फिर से दर्शाते हैं। मान लीजिए बेसिक लाइन हो गई, ये भी बेसिक लाइन हो गया। ठीक है, अब किस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शाएंगे रेफरेंस लाइन के साथ। ठीक है, तो ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊपर के द्वारा लाइन जो खींची गई, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप हो जाएगा। रेफरेंस लाइन ये आपका रेफरेंस लाइन हो जाएगा और ये आपका क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर की बात करेंगे हम कि इस प्रकार से, तो ये यहाँ से इस तरह मतलब एचपी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, एचपी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो मतलब सेकेंड यहाँ पे क्वाड्रेंट बनेगा। कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। ये फर्स्ट हो गया एक नंबर और ये सेकेंड हो गया दो नंबर। ठीक है, अब नीचे की बात करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। और यहाँ की बात करेंगे हम तो यहाँ पे वीपी मतलब वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ प्रोजेक्शन बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे ऐसे मूवमेंट ये करता है। ठीक है,
कैसे करेगा दोस्तों, तो इस प्रकार से ये मूवमेंट करेगा, इधर से राउंडिंग होता जाएगा, ये राउंडिंग इस प्रकार से घूमता जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ साइड, मूवमेंट ऑफ साइड फॉर टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ ऊपर का टॉप व्यू, मूवमेंट ऑफ साइड फॉर फ्रंट व्यू, यहां से देखेंगे तो फ्रंट व्यू और यहां से देखेंगे तो साइड व्यू, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एंगल के प्रोजेक्शन, प्रथम कोणीय प्रक्षेप की बात करेंगे, तो मान लीजिए ये आपका कोई इमेज मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इमेज रहेगा कुछ इस प्रकार का हमारा, ठीक है। ये आपका इमेज बन गया, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हम फ्रंट लिख दिए, ठीक। ये हम लेफ्ट लेफ्ट साइड व्यू लिख दिए, ठीक है। और ये आपका बैक हो गया, और ये आपका ऊपर वाला जो रहेगा यहाँ पे, वो और हमारा टॉप रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हमने कर दिया। अब इसको देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वस्तु को प्रथम पाद में रखकर प्रक्षेप खींचा जाता है, वस्तु को प्रथम पाद में रखकर प्रक्षेप खींचा जाता है। तो ये चार पार्ट बनाए मैंने, आइसोमेट्रिक का फर्स्ट एंगल लिया है, ठीक है, और सॉरी ऑर्थोग्राफिक का, आइसोमेट्रिक का सही है, आइसोमेट्रिक का हमने फर्स्ट एंगल मतलब प्रथम कोणीय प्रक्षेप लिया है। साइड बनाने के लिए वस्तु को बाई ओर से देखा जाता है, ठीक है। तो दाई इधर हो जाएगा आपका, और बाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोला है, तो क्या है, साइड बनाने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाता है, यहाँ पहुंचेंगे और इधर से हम देखेंगे इसको, ठीक है, देखा जाता है। और उसका प्रक्षेप दाई ओर प्रथम चतुर्थांश SVP में बनता है, दाई ओर मतलब यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये एक बनेगा और ये दो बनेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे बनाएंगे और ये एक ऐसे बनाएंगे, प्रथम चतुर्थांश की ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से देखे किसमें था, वो बाई ओर से देखा था मैंने, ठीक है, और दाई ओर के प्रथम चतुर्थांश में मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब एलिवेशन बनाने के लिए दाई ओर से देखा जाता है, यहां से अब देखेंगे एलिवेशन मतलब फ्रंट की बात कर रहा है, उसका प्रक्षेप बाई ओर के द्वितीय चतुर्थांश में VP में रखते हैं, ठीक है, बाई ओर के द्वितीय चतुर्थांश में VP में रखते हैं। तो ये प्रथम हो गया एक नंबर और द्वितीय में दो नंबर, तो क्या करेंगे इसका, ये और ये दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद से प्लान बनाने के लिए वस्तु को ऊपर से, यहाँ वाला की बात कर रहा था, ऊपर के देखा जाए तो उस प्रक्षेप को नीचे के तृतीय चतुर्थांश में बनता है, मतलब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो पहला ऊपर का हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा इस प्रकार से, सॉरी दोस्तों इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये हम इधर से देख रहे हैं ना, तो ये भी इधर घूम जाएगा और ये भी इधर घूम जाएगा। मैं इसको आपको क्या है कि ड्राइंग शीट पे मैं खुद बनाऊंगा, यहाँ पे केवल समझा रहा हूँ कि आपको किसी तरह से समझ में आ जाए, जब वहां पे बताऊंगा तो कुल कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, हमारा ये ना हो के ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर प्रथम कोणी प्रक्षेप हो जाएगा, मतलब क्या बोलेंगे, टॉप को नीचे रखते हैं प्रथम कोणी प्रक्षेप में, फ्रंट को ऊपर रखते हैं ठीक उसी के, और साइड को बगल में रखते हैं। जब साइड हमारा लेफ्ट हैंड राइट साइड रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश के राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और जब राइट साइड रहेगा तो इधर चला जाएगा, यही इसमें काम है। लेकिन साइड हमेशा ऊपर रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में साइड हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, क्या रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में साइड हमेशा ऊपर रहेगा। अब तृतीय चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के मान लीजिए कि फिर से वही वस्तु का हमारे पास क्या है, वही ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है, यही आपका इमेज था, ये आपका इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज को हमको बनाना है, तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ये हमारा टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने प्लस कर लिया यहाँ पे, ठीक। अब इसको हमें बनाना है किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो इस प्रक्षेप में वस्तु को तृतीय पाद में रखकर प्रक्षेप खींचा जाता है, तृतीय पाद मतलब तीन ही केवल इसमें यूज करेंगे, ठीक है, तृतीय पाद में, ठीक है, तृतीय पाद में हमको बनाना है। और उसमें प्रथम पाद की बात कर रहा था, तो प्रथम पाद के कह रहे थे, तो साइड बनाने के लिए वस्तु के बाईं ओर से देखा जाता है, साइड मतलब ये यहाँ हमारा दाएं बनेगा, यहाँ हमारा बाएं बनेगा। तो इसमें क्या है, जो वस्तु जहां पे रहती है वहीं से देखा जाता है, बट उलट पुलट नहीं किया जा सकता। तो साइड जिधर है उधर से हम साइड देखेंगे, तो साइड इधर है ना भाई, तो साइड इधर है, तो जहां पे जो जैसे रहता है नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ हम यहाँ पे साइड बना देंगे, तो क्या बनेगा, एक साइड और दो साइड, दो साइड हम बना दिए, क्लियर।
अब यहाँ के बाद से क्या करेंगे, एलिवेशन बनाने के लिए बाई ओर से देखा जाता है। तो यहाँ हमारा एलिवेशन है, तो जो दाई ओर से देखेंगे फ्रंट वाला, तो लीजिए उसको इसके क्या है ठीक बगल में है, तो बगल में मैंने बना दिया, यहाँ लीजिए एलिवेशन बन गया आपका, ठीक है क्लियर। अब ये आपको टॉप बना, तो एक दो टॉप बनाना है, तो मैंने क्या कहा था कि फ्रंट के ऊपर या तो टॉप या तो फ्रंट के नीचे टॉप रहेगा, बल्कि उसके अगल बगल कहीं नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है, तो टॉप हम ठीक ऊपर बनाएंगे, तो ये लीजिए आपका ये टॉप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करके पूर्ण रूप से बनाऊंगा, लेकिन थर्ड एंगल में जो जहां पे जैसे रहता है उसी प्रकार से रहेगी और कहीं भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिंबल फॉर थर्ड एंगल की बात करेंगे, अगर सिंबल की बात करेंगे, थर्ड एंगल की सिंबल की बात करेंगे, तो ये गोला ये बड़ा और ये सेंटर लाइन मार देंगे, और ये गोला के जो लाइन है ये हमें लाइन खींचना नहीं है आप लोगों को, ये इसके बराबर और पीछे का है, ये वाला हमारा बनेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो ये जो रहेगा आगे का पार्ट, ठीक है, वो पीछे हो जाएगा, मतलब इसके इसके ठीक उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम ऐसे ही रहेगा। सिंपल मतलब एक और टॉपिक ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला वो है पहला वाला, ठीक है, तो इसको फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो ले लीजिए ये इसका डाट यहाँ से इसका माप आएगा, तो ये पहला वाला बन गया, ठीक, और ये सेंटर लाइन रहेगी, और दूसरे का ये मान लीजिए है, ठीक है, तो ये दूसरा वाला इस प्रकार से बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंगल का सिंबल है, ये हमारा